हेलो एवरीवन, इट्स कुलदीप सिंह यादव हियर। और ये मैसेज मेरी टीम के लिए है सबसे पहले कि आई एम नो मोर अ बॉडी बिल्डिंग कोच। तो मैं कोचिंग छोड़ रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ। आप मेरी जितनी भी टीम है अपना नया कोच ढूंढ लीजिए और मुझे अप्रोच भी मत करिए कि भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि सबसे पहला रीज़न ये मैं क्यों कर रहा हूँ, एक तो मेरी पर्सनल लाइफ, पर्सनल गोल्स, बिजनेस और ये कोचिंग लाइफ, इसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है। मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ, मेरा टाइम ख़त्म हो गया एकदम कि भाई जो मेरे पर्सनल गोल्स है, ग्रोथ है, वो सब एकदम बैकफिट पे है। जब से मैं प्रेप करवा रहा हूँ तब से मेरी सारी हर तरह से पर्सनल ग्रोथ स्टंट हो चुकी है। दूसरा रीज़न है कि जो हाल में शेरू क्लासिक में हुआ मेरे एथलीट्स के साथ, जैसे कि अजीत भाई सबसे बड़ा एग्जांपल, आप उनकी वीडियोज़ अगर उठा के देखेंगे, सबसे पहली बात तो मीडिया अलाउड नहीं थी, कोई वीडियो नहीं बना सकता था, फ़ोन की वीडियोज़ हैं और आपको बोल दिया जा रहा है कि स्टेज पे जो कंडीशनिंग दिख रही थी वीडियोज़ में वो एकदम अलग होती है। तो मतलब क्या जज को ही पता है बस कि कंडीशनिंग क्या होती है? हम जो कोचिंग करा रहे हैं, जो एथलीट खेल रहा है इतने साल से, उसको नहीं पता कि कंडीशनिंग क्या होती है, हमारा क्या लेवल है, बैक स्टेज पे कौन कैसा दिख रहा है। कपिल लोहिया भाई की जो कंडीशनिंग थी मैंने डाली है, अगर कोई भी एथलीट बैक स्टेज की वीडियोज़ मुझे भेजो, टैग करो, कहीं भी अपलोड करो, उनसे बेटर बैक स्टेज की कंडीशनिंग अगर कोई दिखा दे, स्टेज की छोड़ो आप, ठीक है। राहुल फिटनेस के साथ क्या हुआ, आपको आपने सबने देखा है, 9th place क्या वो बंदा डिजर्व करता था, खाली ये बोल के उनको चुप कर दिया गया कि आपके आर्म्स बहुत बड़े हैं। आप बाहर के एथलीट्स के मेंस फिजिक के आर्म्स देखिए, किसके आर्म्स छोटे हैं या एकदम, सब राहुल के लेवल के मिलेंगे आपको, ठीक है। बहका दिया जा रहा है एथलीट को, बस मीडिया अलाउड नहीं थी। जितने भी एथलीट्स जीते हैं आप उनके प्रोफाइल उठा के देखिए, अगर मीडिया वहाँ पे अलाउड होती इतनी ज़्यादा, जितना एक्सपोजर के लिए, तो यार एक एथलीट खेलता है, पैसा क्या दे रहे हो आप, दे क्या रहे हो आप इस कंपटीशन में, कि एक छोटा सा जो मेडल स्टेज पे चढ़ गए वहाँ पे टेम्परेरी कुछ मोमेंट्स के लिए जो प्राइड फील हुआ उसको, या फिर जो लॉन्ग लास्टिंग प्राइड है जो चलता रहता है सोशल मीडिया पे, एक्सपोजर मिलता है एथलीट को। कोई भी एथलीट नाम के लिए, एक्सपोजर के लिए, अप्रिसिएशन के लिए खेलता है, आपने वो अप्रिसिएशन ही ख़त्म कर दिया मीडिया हटा के, ये बोल के कि मीडिया बाद में बसड़ फैलाती है कि भाई किसके साथ क्या चीटिंग हुई, जजेस के डिसीजन के ऊपर वो लोग क्वेश्चन उठाते हैं। तो डेमोक्रेसी या फ्रीडम जो है लोगों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कि भाई आप अगर कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो उस पर सवाल तो उठेंगे ना, तभी तो आप बेटर होंगे। कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा अगर, तो आप बेटरमेंट के स्कोप कम हो जाती है ना उस चीज़ की। ये जो चीज़ हुई है एकदम गलत हुई है। नरेंद्र भाई की आप देख रहे हो वीडियोज़, एक साइड से हमारे पास एक एंगल की वीडियोज़ है, जिस एंगल से वो एथलीट बड़ा दिख रहा है। मैं अगर इस कैमरे को इस साइड घुमाऊँगा, घुमाइयो, ये देखो मेरा ये बाइसेप्स आपको बड़ा दिखने लग जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं इधर घुमाऊँगा ये बड़ा लगने लग जाएगा, ठीक है। ये क्या, तो मेरे क्या अनइवन हो गया क्या, ये मेरा बाइसेप छोटा है, मतलब पैदा ऐसे हुआ हूँ मैं, ये एंगल का फ़र्क है। और अगर एक साइड की बायस्ड फुटेज आ रही है तो आप क्या जज करोगे? हम सेटिस्फाइड नहीं है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जजिंग से। और अगर कोई एथलीट इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है इतने साल से, डिज़र्व करते हुए भी अजीत भाई के साथ जो हुआ, ठीक है, इंडियन रॉक को 7th place, आप वीडियोज़ देखिए, 7th place डिज़र्व करता था वो बंदा। नरेंद्र यादव, राहुल फिटनेस, कपिल लोहिया और अजीत अंतिल, 5 खिलाड़ी मेरे खेले, किसी का भी गोल्ड नहीं दिया गया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा मुझे टारगेट किया गया या मुझे शेरू आंग्रेस या हेमंत आंग्रेस ने पर्सनली टारगेट किया, नहीं। जजिंग, मैं तो खाली जजिंग की बात कर रहा हूँ, इस टाइम जो जजिंग हुई है ना, जो डिसीजंस लिए गए, आप स्कोर कार्ड देखोगे, मैं अभी डालूंगा स्कोर कार्ड, ये ओलंपिया का स्कोर कार्ड है, इसमें आप देखिए फर्स्ट की स्कोरिंग, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, इसमें कोई आपको एक इवन गैप या सिमेट्री दिख रही है कि सब सबका स्कोर 3, 6, 9, 15,
क्या है ये रियल स्कोर कार्ड है। और ये देखिए आप, मैं डाल रहा हूँ अभी शेरू क्लासिक के स्कोर कार्ड, इसमें देखिए आप हर स्कोर कार्ड 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, मतलब तीन जज थे जज करने वाले, और तीन के तीन इतने एक्यूरेट थे कि तीनों ने एक एथलीट को फर्स्ट 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 दिया, दूसरे को सेकंड सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड थर्ड, किसी ने भी मतलब ये नहीं करा कि ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये सेवन्थ, एट्थ, ठीक है। ओलंपिया वाले में किसी ने एक, आप देखोगे डेरेक का, हाडी चुपन का, फर्स्ट वाली प्री जजिंग या फाइनल्स में भी देखोगे तो किसी ने भी पांचों के पांच, पांच जज होते वहाँ पे, पांच के पांच ने फर्स्ट 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 भी नहीं दिया किसी को भी, एक के छः हैं, एक के सात हैं, मतलब कोई एक को प्री जजिंग में फर्स्ट दे रहा है, सेकंड दे रहा है दूसरा को, दूसरा जज तीसरा, कोई थर्ड दे रहा है या कुछ भी, ऐसे ही सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड सो ऑन, ठीक है। एक आदमी अगर केवल एक ही बंदा जज कर रहा है कॉम्पिटिशन को, ये अनफेयर है, वो बायस्ड हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि जज, हेड जज जो है वो देखते भी नहीं है यार, वो हर एथलीट की तरफ, कई एथलीट पोज करने आते हैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहा होता है, उसका डिसीजन कौन ले रहा होता है। अनुज नागर भाई की वीडियो देखी होगी आपने, जीतने के बाद वो इमोशनल हो रहे थे, रो रहे थे, है ना। अगर सोचो उनको भी टॉप टेन में नहीं रखा जाता, ऐसे एथलीट्स जो मेहनत कर रहे हैं, मतलब वो डिजर्विंग थे, जीत गए, बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही मान लो और एथलीट्स जो जीतना डिजर्व करते हैं, अगर वो जीतते नहीं हैं, पता नहीं क्या क्या अपनी लाइफ की कहां कहां से पैसे मैनेज करके, टाइम, करियर सब कुछ सेक्रीफाइस करके एथलीट पहुंचता है यार उस स्टेज पे, और वहां पे केवल एक फेयर जजिंग भी अगर उसको ना मिले, क्या क्या फ्यूचर है स्पोर्ट का, क्या मतलब है ये चीज़ करने को। मीडिया ना हो वहाँ पे, कवरेज ना मिले, अगर सेकंड प्लेस भी है तो सेकंड को भी कवरेज मिलती है। पिछली बार राहुल फिटनेस को जो एक्सपोजर मिला, सेकंड जो हार के भी जीत गया था, वो चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी, मतलब कि मीडिया अलाउड नहीं है यहाँ पे। एक आप एनक्लोज्ड एंटिटी, एक बिल्डिंग में आप आए और आपको जज किया गया, आपको प्लेसिंग दे के भगा दिया गया, जो भी है आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना, गलत है ना ये। और आप जो हर जगह कोई भी इनके खिलाफ अगर वीडियो बनाता है तो पूरी इंडस्ट्री एकदम से उठ के आती है कि इन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री का इंडिया में लेवल बढ़ाया है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ छोटी सी, IFBB मिस्टर ओलंपिया, सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में एक्सपोजर इस फेडरेशन में ही है, नंबर वन फैक्ट। दूसरा, इंडिया के एक्सक्लूसिव राइट्स ले रखे हैं IHFF ने, ठीक है। एक्सक्लूसिव राइट्स मतलब इनके अलावा कोई भी IFBB कॉम्पिटिशन, प्रो क्वालिफायर शोज वगैरह कोई नहीं करवा सकता है। अगर आप इंडस्ट्री को ऊपर उठता हुआ देखना चाहते हैं, आप ये बोल रहे हैं कि मैं इंडस्ट्री के लिए कुछ कर रहा हूँ, एक बार ये एक्सक्लूसिव राइट्स छोड़ के देखिए, दूसरे लोगों को भी अलाउ करिए ये कंपटीशन कराने के लिए, आप देखना कि आपसे कितने अच्छे कंपटीशन वो लोग करवाने लग रहे हैं। अब की बार एक एक मील, एक एथलीट को एक दिन की, पूरे तीन दिन में एक एथलीट को एक मील दी गई है, तीन दिन में एक मील, और वो भी उनका ट्रंक नंबर देख के, ठीक है। तीन दिन की एक मील इनकी तरफ से दी गई, हुडी दी गई ओलंपिया की, ठीक है। बदले में फीस कितनी बढ़ा दी गई, 10,000 रुपये, हल्ला इतना मचा दिया गया, ये देखिए मैनेजमेंट, ये देखिए फीस का इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिला, एथलीट्स इतने कम आए थे, और जैसे जैसे भीड़ कम होती जाएगी, इनकी जहाँ जो एक्सपो में ब्रांड्स बूथ लगे थे वो भी कम थे। अगर ऐसे ही अगर आप करते रहे और ऐसे ही मेरे जैसे लोग अवेयर करने लग गए लोगों को, इम्प्रूव करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। तो एक एक एथलीट के कंपटीशन जीतने के बाद कितने फॉलोअर्स बढ़ते थे, आप पिछला डाटा चेक कीजिए और अभी देखिए कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं उनके इस कंपटीशन के बाद, क्योंकि मीडिया कवरेज ख़त्म हो गई। लोग मुझे आके पर्सनली बोल रहे हैं कि भाई वीडियोस कहाँ मिलेंगी, तीन तीन दिन तक वो लोग कहीं किसी की आईडी सर्च कर रहे हैं, कोई यूट्यूब चैनल सर्च कर रहा है, कहीं पर कोई फुटेज ही नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा हर एथलीट नहीं जीत रहा था, मान लो कि मैं, और मेरा हर एथलीट हर जगह भी नहीं जीतेगा कि ओलंपिया पे जाके भी वो जीत जाएगा, कई बार कंपटीटर आ जाते हैं अच्छे, लेकिन जो फ्रीडम ख़त्म करा गया ना वो सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये बोलना उसके डिफेंस में कि हमने, इन्होंने इंडियन इंडस्ट्री का फिटनेस का लेवल उठा दिया,
एथलीट बढ़ गए, क्रेज़ बढ़ गया इंस्टाग्राम पे शिवम को देख देख के, इतने ज़्यादा लोग शिवम जैसा बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तो खेल लेंगे ना वो। और इस फेडरेशन में घुसने के लिए अगर एक ही चैनल है, क्योंकि चैनल ही है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है ना, IHFF के अलावा इंडिया में और कौन सा शो है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, इनने मोनोपोली कर रखी है। तो इसीलिए मजबूरी है एथलीट की इनके पैर छूना, समझ रहे हो आप। कंपटीशन से चार दिन पहले राहुल फिटनेस के नाम पे लेटर इशू कर दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है कि तुम सस्पेंड हो, कि वो बिग फिट क्लासिक में क्यों गया। आप उनके रूल्स में डाल रहा हूँ अभी, ठीक है, ये देखो आप, इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि गेस्ट पोज कर सकते हो आप, कहीं भी अपीयर हो सकते हो, बस आप अपनी सोशल मीडिया पर उसको प्रमोट नहीं करोगे, उनके ब्रांड की टी शर्ट वी शर्ट ये वो उनका प्रमोशन नहीं करोगे, आप वहाँ पे कम्पीट नहीं करोगे, जजिंग नहीं करोगे, ठीक है। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, और इसको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद एक वीडियो बनवाई गई कि भाई मैंने फलाना फलाना मेरे ने हेल्प कर दी, इसने कर दी, उसने कर दी, और एथलीट को दबा के दूसरे एथलीट्स को डराने के लिए कि कभी भी कोई आवाज़ ना उठाए नहीं तो सस्पेंशन दे देंगे। उससे वीडियो बनाई गई कि राहुल ही जब डर गया, राहुल ने ही हाथ जोड़ लिए तो हम तो क्या ही हैं, और वो भी गलत हुआ एकदम। ऐसे ही बहुत सारे एथलीट्स को कभी भी एकदम से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये मोनोपोली है ना, जो इसकी वजह से लोग मजबूरी में इनकी बढ़ाई करते हैं, इनकी कमियां निकालते नहीं है, फ्रीडम किसी पे है नहीं, अकेला एक चैनल है, एक ही ऑप्शन है, तो चल रहा है। और हाँ, ऑब्वियसली भाई, अगर इन चीज़ों को, कमियों को हटाया जाए तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, इनकी जगह ये नहीं होते, कोई और होता, ठीक है, लेकिन अब ये हैं तो हैं, ये कई चीज़ें अच्छी भी कर रहे हैं, लेकिन कमियों पे बात करने का फ्रीडम, मीडिया, ये चीज़ इसको मत रोकिए आप, ठीक है, नहीं तो आपका वजूद ख़त्म हो जाएगा। क्रिटिसिज्म ही इम्प्रूवमेंट का पहला स्टेप होता है, आपकी कोई कमियां बताएगा, आपको सुधारनी होंगी, ठीक है। और रही बात जो मैं बता रहा था कि एक्सक्लूसिव राइट्स छोड़ने की, जो आप सोचते हो, मैं फिटनेस इंडस्ट्री के लोगों से बात कर रहा हूँ कि एक आदमी ने इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड उठा दिया, एक्स वाई जेड कोई भी बंदा अगर IFBB को इंडिया में लेके आता, सेम लेवल बना के दिखा देता। आज भी एक्सक्लूसिव राइट्स अगर ये लोग छोड़ देंगे, एक बार अकेली 5XL न्यूट्रिशन, ये इतनी ब्रांड्स मिलके कराती है ना, अकेली 5XL न्यूट्रिशन करके दिखाएगी, इतना बड़ा इवेंट, ठीक है, अगर आप लोग एक बार एक्सक्लूसिव राइट्स छोड़ दीजिए। तरुण गिल जो बताते हैं ना, हिसाब किताब जो मैथ बताते हैं कि भाई इतने रुपए, इतने गुणा, इतने इतने इतने, वो बिल्कुल सच है। आपका मैं क्रेडिट मान लेता अगर आप लोग एथलीट्स को भी कुछ दे रहे होते, जो कलेक्शन आता है एथलीट्स को क्या मिलता है, एक मीडिया कवरेज मिलती थी, वो भी आपने हटा दी, ठीक है, तानाशाही लेके आगे, जो जजिंग डिसीजन जो कुछ देंगे हम, वो सर्वमान्य होगा, ठीक है, जजिंग पे आप उठा ही नहीं सकते क्वेश्चंस, उठाएंगे भाई, क्यों नहीं उठाएंगे, ठीक है, अगर मेरा एथलीट जीत रहा है, गलत लगता है, लोग उठाएंगे, उठाओ, बात करो यार उसके बारे में, दिक्कत क्या है इस चीज़ से। इतना बड़ा इवेंट होता है, एक रुपया किसी एथलीट को नहीं दिया जाता है, समझ गए, मैं ये नहीं कह रहा कि दो, हम प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन आप, ऑडियंस को बोल रहा हूँ, आप इन चीज़ों से खुद दिमाग खोल के एक बार आप ये चीज़ अंधा, ये फॉलो मत करो किसी को भी कि भाई हाँ ये कह रहा है, ये आदमी तो भगवान हो गया, वो सब हर आदमी अपनी जेब के लिए काम करने लग रहा है, ठीक है। एथलीट को क्या मिल रहा है, उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन होता है, वो लोग काफ़ी हद तक रेगुलेट करते हैं चीज़ों को, कंट्रोल रखते हैं कि किसको क्या मिल रहा है। अगर एथलीट के लिए सोचा जाएगा तो इनका इवेंट भी सक्सेसफुल होगा, हम भी और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। गलत चीज़ को गलत बोलना सीखो, सही चीज़ को सही बोलो। मैं अपनी वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर मैंने किसी का भी टारगेट करके, मैंने किसी को ये नहीं बोला है कि भाई शेरू, हेमंत या कोई भी जो IFBB के हेड है, मनीष गांधी है, इन्होंने मेरे को टारगेट करा या मेरे एथलीट्स को इन्होंने ना, इनका पर्सनली मैं नहीं मानता कि कोई रोल रहा होगा, लेकिन मैं तो खाली एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
वो सिस्टम सही होना चाहिए, जो भी इसको चला रहा हो या ऑटोनोमस वो चल रहा हो, जो फ्रीडम एथलीट के पास मीडिया के पास वो रहनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट में जो मैंने स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट करी थी कि मेरे एथलीट्स प्लीज़ दूसरा कोच ढूंढ लीजिए, मैं अपनी सोशल मीडिया, अपनी जो फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग है वो अपनी कंटिन्यू रखूँगा, मैं अपने पर्सनल गोल्स पे ध्यान दूँगा और हो सकता है मैं भी एक कमबैक करूँ। तो जितने भी मेरे एथलीट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनकी पहली बात तो 90% मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनसे मैं फ़ीस लेता नहीं हूँ, केवल 10% ऐसे हैं जिनसे रिसेंटली ही मैंने फ़ीस लेनी स्टार्ट करी थी, नहीं तो सब हमेशा से ही फ्री था, ये सबको पता है। और मोस्ट ऑफ माय एथलीट्स, ऑलमोस्ट 50% एथलीट्स आर स्पॉन्सर्ड, तो 10% जिनसे फ़ीस ली है उनकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी। अगर आप लोग इंसिस्ट करोगे कि नहीं ये फ़ीस लेना एक कमिटमेंट था, तो जिन जिन से फ़ीस ले रखी उनकी जब तक की फ़ीस है तब तक मैं उनको कोचिंग देता रहूँगा, या फिर जो केवल मैंने 5XL न्यूट्रिशन से बात करी है उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है मेरा कोचिंग का, तो वो लोग इस पे गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके साथ जो कमिटमेंट है उनके बंदों को, जिन जिन को हमने किया था कि इनको देनी पड़ेगी कोचिंग, उनको देता रहूँगा जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तब तक। और बाकी मैं हाथ जोड़ता हूँ कि भाई बस और कोचिंग नहीं, मैं अपने पर्सनल लाइफ पे, पर्सनल गोल्स पे काम करूँगा। मेरी लाइफ एकदम, मेरे पर्सनल गोल्स रुक चुके हैं। और ये मैसेज गलत करने वालों के लिए ये है कि जब जब गलत करा जाएगा मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। आपको ये लगता है कि कोई आपसे इतना दबता हुआ इंडस्ट्री का बंदा कि उसका तो घर चलना ही बंद हो जाएगा, अगर आप लोग, कुछ लोग होंगे लेकिन आप लोगों का हर आदमी के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो तुम्हारे एक शो की वजह से पैसे कमा रहा हो, ठीक है। तो मैं अपनी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लंबी हो गई थोड़ी लेकिन बोलना ज़रूरी है। समझदार लोगों का इंडस्ट्री में आना और खुल के बोलना, लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू।